नेक्स्ट ये डेफिनेशन है हमारे पास 54 में, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी आइडेंपोटेंट इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर ए स्क्वायर हम अप्लाई करें यानी दो एक मैट्रिक्स को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं फिर भी वो अपने आप की इक्वल रहे तो ये आइडेंपोटेंट होगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्री मैट्रिक्सेस एंड मेथड फॉर ए इनवर्स। सेकेंड डेफिनेशन ज़रूरी है, पहली वाली ज़रूरत नहीं है। एन एन बाय एन मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक होनी चाहिए इस कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इफ़ इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एन बाय एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही बने या हमारे पास आए बाय परफॉर्मिंग अ सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सिर्फ कोई एक एलिमेंट्री ऑपरेशन हम अप्लाई करें, सिर्फ एक कोई रो ऑपरेशन अप्लाई करें और वो हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, जैसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास है, ठीक है, और मैं उसकी फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो मेरे पास बनेगी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, एग्जांपल 1 में देखें ज़रा, एग्जांपल 1 में हमारे पास ये स्टेप्स गिवन है, ये हमारे पास मैट्रिक्सेस हैं। ठीक है, देखें फर्स्ट वाली में सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई करवाया R2 को तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास सिमेट्रिक बन गई। इसी तरह बाकी इंटरचेंजिंग करके वो भी हमारे पास चेंज होकर आ रही हैं। जो हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है उसमें 3 हमारे पास सिंपल आ रहा है ऐड होकर, तो एक ही स्टेप जिसमें सिर्फ एक स्टेप से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिफरेंट मैट्रिक्स बन जाएगी तो वो हमारे पास बनेगी हमारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इस एग्जांपल में देखें ए ई गिवन है हमारे पास और इसकी मल्टीप्लिकेशन गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखें और ए को कंपेयर करवाएं, फर्स्ट टू रोज बिल्कुल सिमिलर आ रही हैं लेकिन लास्ट वाली जो रो आ रही है वो ए से डिफरेंट है। लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है हमारे पास देखें, अगर हम ए वाली फर्स्ट रो को ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवा लें 3 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा लें हम यहाँ से इसको 3 से, फर्स्टली तो हमारे पास ये ई और ए, ई फर्स्टली है ए सेकेंडली है, इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम। अगर यहाँ से देखें हमारे पास जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसकी फर्स्ट रो में फर्स्ट नंबर 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करवा कर उसी में जो थर्ड रो का फर्स्ट नंबर है 1 इसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या नंबर बनेगा, 1+3 इज इक्वल टू 4, ई ए का वो नंबर बन गया हमारे पास 4। अब इसी तरह से फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करवा के ए के ही जो लास्ट वाली रो आ रही है R3 उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास ई ए का लास्ट वाला रो सारा आ जाए, सारी की सारी लास्ट वाली रो हमारे पास आ जाएगी एज अ रिज़ल्ट। ठीक है, देखें ज़रा, अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 9+0 इज़ इक्वल टू 9 तो ई ए में अगेन इक्वल टू 9 हमारे पास लिखा हुआ है। इस तरह हर नंबर को चेक कर सकते हैं। अब क्या है हमारे पास, ये ई ए क्या है, एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स है हमारे पास, किसकी, ए की। ठीक है, प्रीवियस डेफिनेशन में हमने आइडेंटिटी से बनाई थी, अब यहाँ पे जो हमारे पास बनी हुई है एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स वो बनी है हमारे पास ए से। ए की डेफिनेशन पे सिंगल हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया, क्या रो ऑपरेशन है हमारे पास, R3+3R1 तो हमारे पास ई ए मैट्रिक्स बन गई विद दी हेल्प ऑफ ई। ये रो ऑपरेशंस अप्लाई किए हुए हैं तो ये आप लोग तो अब जान चुके हो कि किस तरह से अप्लाई करने हैं। ये एग्जांपल है जिसमें ए गिवन है और इसको बाय यूजिंग रो ऑपरेशन फाइंड आउट किया गया है इसका इनवर्स, ये रो ऑपरेशंस अप्लाई किए हुए हैं।
जो क्वेश्चन आपको सेंड किया है उससे रिलेटेड है ये वाला भी, ठीक है। उन्हीं स्टेप से लेकर ये आप इसको भी सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस तरह से एशलॉन फॉर्म पे हमने प्रैक्टिस की है। अब ये देखें, ये है शोइंग दैट अ मैट्रिक्स इज़ नॉट इन्वर्टिबल। तो रो ऑपरेशन अप्लाई करके फाइंड आउट करना है, तो हम ये ऐसे करेंगे। देखें लास्ट पे, देखें लास्ट रो जो है वो कंप्लीट जीरो आ गई। तो ऐसी मैट्रिक्स जिस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए कोई एक रो या एक कॉलम हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो वो नॉट इन्वर्टिबल हो जाएगी, ठीक है। ये ए बी टू हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं आप इसी तरह से जो आपने अपनी प्रैक्टिस की हुई है एशलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हमारे पास जो ए गिवन है उसमें आइडेंटिटी किस तरह की होती है, वन रो, फर्स्ट रो होती है 1 0, सेकेंड रो होती है 0 1। तो ज़ीरो की जगह पर R1 को -5 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दिया गया है। एक स्टेप से हमारे पास जो A लिखा हुआ है, A में मैट्रिक्स लिखी हुई है, वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन B में देखें ज़रा, B में हमारे पास आइडेंटिटी किस तरह की होती है, -5 की जगह पे 1 होना चाहिए था, 1 की जगह पर 0। यानी अगर हमने कितने ऑपरेशन अप्लाई करने की हमें परमिशन है, सिर्फ 1, जस्ट 1 रो ऑपरेशन से हमने उसे चेंज करना है आइडेंटिटी से किसी और मैट्रिक्स में। तो अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है या नहीं। तो -5 1, अब फर्स्टली तो हमें ये इंटरचेंज करना पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 तो हमें ऊपर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। अगर इंटरचेंज करेंगे तो एक स्टेप तो हो गया, -5 कहाँ से आएगा। सो हम सेकेंड रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, सो ये हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है। सी में लास्ट रो 0 है, तो जहाँ पे आइडेंटिटी बन ही नहीं सकती, कि आइडेंटिटी से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कभी भी हम सॉल्व करते हुए किसी रो को भी टोटल या ना ही किसी कॉलम को, ना रो को ना कॉलम को हम ज़ीरो नहीं बना सकते। तो लिहाजा सी भी हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है। डी में देखें ज़रा, डी में हमारे पास फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 2, ठीक है। हमारे पास आइडेंटिटी में सारे का सारा डायगोनल होना चाहिए 1, ठीक। सिंपल स्टेप्स के अकॉर्डिंगली अगर हम इस 2 को डिवाइडेड बाय 2 भी कर लें तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। हमें क्या परमिशन है, सिंगल स्टेप से हम आइडेंटिटी बना सकें या आइडेंटिटी से ये मैट्रिक्स बन जाए। अच्छा, 2 से अगर हम R1 को डिवाइड करते हैं तो 2 की जगह पर 1, लास्ट पे 1, फिर 00, फिर 2 लिखा हुआ है, ये भी 2 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटी तो नहीं बनी। यानी सिंगल स्टेप से हम इसको आइडेंटिटी की परफॉर्मेंस में नहीं ला सके, लिहाजा ये भी हमारे पास नॉट एलिमेंट्री है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह से देखें, ए में जो है हमारे पास वो एलिमेंट्री है, बी में जो है हमें ज़्यादा इंटरचेंजिंग करना पड़ेगी, नहीं, सिर्फ R3 R1 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाएगी। सी में देखें, सी में सिंगल जस्ट 9 एक्स्ट्रा है, अगर हम R3 को 9 से मल्टीप्लाई करवा के R2 में माइनस कर देंगे तो ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी, लिहाजा ये भी एलिमेंट्री है हमारे पास। डी में, डी एलिमेंट्री नहीं है क्योंकि उसमें हमें इंटरचेंज भी करना है और -1 को +1 भी बनाना पड़ेगा, तो ये नहीं है हमारे पास। चलें जी, इसको आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो स्टेप्स पूछ रहे हैं कि गिवन मैट्रिक्सेस को आइडेंटिटी बनाना है तो किस ऑपरेशन से बनाना है। तो ये यहाँ पे ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, वो ऑपरेशंस आपने अप्लाई कर लेने हैं, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 39 में एक साइड पे मैंने ए लिखा है, दूसरी साइड पे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है और साथ में मैं उनके रो ऑपरेशंस अप्लाई करवा रही हूँ, तो आपने भी ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये इसी डेफिनेशन से करना है। एक साइड पे मैट्रिक्स, दूसरी साइड पे आइडेंटिटी, साथ में रो ऑपरेशन, और उसके साथ ही आपने वही वाले रो ऑपरेशंस अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी अप्लाई कर लेने हैं, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी आपके पास ही आ जाएंगी। ये जो 1 3 0 1 -1 7, ये रिजल्टिंग मैट्रिक्सेस आ जाएंगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी डेफिनेशन से है। चलिए जी, आज का काम इतना ही करते हैं बस।